हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्टीशन और स्वैप के प्रैक्टिकल को एक बार फिर से रिपीट करने वाले, लेकिन आज मैं आपको एफएस स्वैप को एडिट करते वक्त और कौन सी मेथड से आप एफएस स्वैप को एडिट कर सकते हो वो दिखाने वाला हूं। इन शॉर्ट हम यहां पे UUID का इस्तेमाल करके एफएस स्वैप को एडिट करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गुजरते हुए हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पार्टीशन बनाएंगे, एक पार्टीशन हमारे स्वैप के लिए, दूसरा पार्टीशन हमारे नॉर्मल लिनक्स के लिए। सो LSBLK करके हम चेक करेंगे हमारे पास कौन से डिस्क अवेलेबल है। तो फिलहाल मेरे पास SDB के ऊपर स्पेस अवेलेबल है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तकरीबन 1 TB, जिसमें से अब तक हमने सिर्फ 6 और 2 GB के पार्टीशन ही बनाए। ओके, सो यहाँ पर हमें एफ डिस्क लिखना है, /dev /sdb-l चेकआउट करने के लिए। -l को अगर आप हटा दोगे तो उस टूल के अंदर आप चले जाओगे P4Print। सो यू कैन सी 1, 2 और 5, ये 3 पार्टीशन बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे एन टाइप करेंगे, क्रिएट अ पार्टीशन, हमें लॉजिकल पार्टीशन बनाना है। एंटर, फर्स्ट सेक्टर हम एंटर देंगे। इस फर्स्ट सेक्टर को हम एन करने वाले हैं, तकरीबन मान लीजिए हम इसे 4 GB तक एंड करेंगे। ओके, सो इससे यहाँ पे मैंने +4G किया ताकि मेरा पहला पार्टीशन नंबर 6 4 GB का आ जाए। फिर से P करके चेकआउट करेंगे, यू कैन सी partition 6 फॉर योर 4 GB। देन एंड फिर से क्रिएट करना है। इसके लिए हम लॉजिकल बनाएंगे, फर्स्ट सेक्टर हमें डिफॉल्ट देना है, प्रेस एंटर। लास्ट सेक्टर हमें रखना है प्लस, हम इसे रखेंगे, चलो हम इसे लेंगे 3 GB के आसपास। ओके, P4Print। सो यू कैन सी 6 और 7 हमारे दो नए पार्टीशन से। अब ये जो 7th वाला पार्टीशन है ना, इसको मैं स्वैप की तरह यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके मुझे ID चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है ID चेंज करने के लिए option T है, और किसका चेंज करना है, नंबर 7 का करना है। हेक्सा कोड आपको पता ही है, ना हो तो आप L प्रेस करके इसे चेकआउट कर सकते हो, लेकिन आई नो कि स्वैप के लिए जो कोड है वो है 82। मैंने यहाँ पे 82 प्रेस किया, यू कैन सी मैसेज आ चुका है लिनक्स टू लिनक्स स्वैप। देन P से प्रिंट करेंगे, सो यू कैन सी 6 नंबर का लिनक्स पार्टीशन है जो हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे, और 7 का ये स्वैप पार्टीशन है जो हम स्वैप की तरह यूज़ करने वाले हैं। अब इसे सेव करने के लिए आपको W प्रेस करना है, W से हम सेव एंड क्विट करेंगे। फिर से हमारे सामने वार्निंग आ चुकी है, इसका मतलब क्या, एक तो रिबूट करो या फिर पार्ट प्रो करके कमांड रन करो। तो हम यहाँ पे पार्ट प्रो कमांड रन करेंगे, कौन से पार्ट, हार्ड डिस्क के ऊपर, /dev/sdb फाइल के ऊपर। ओके, एंटर प्रेस किया, कर्नल अपडेट हो जाएगा। चेकआउट करने के लिए आपको फिर से lsblk कमांड रन करनी है, यू कैन सी ये अपडेट हो चुका है, या फिर आप cat/proc पार्टीशन वाली फाइल को भी चेकआउट कर सकते हो। क्लियर, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 वाले पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे, किसके लिए, डेटा स्टोरेज के लिए। सो mkfs.xfs क्या कर, /dev/sdb6 को फॉर्मेट कर। लेकिन अगर आपको देखना रहा कि कौन से पार्टीशन फॉर्मेटेड है या नहीं, तो आप यहाँ पे lsblkit की जगह पे blkit ये कमांड रन करके देख सकते हो। सो यू कैन सी 6 और 7 जो पार्टीशन मैंने बनाया ना, वो यहाँ पे फॉर्मेटेड नहीं है। ओके, सो लेट्स मेक अ फॉर्मेट, mkfs.xfs/dev/sdb6। तो हमने 6 को mkfs से फॉर्मेट किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक कमांड और रन करने वाले, mkswap, क्योंकि हमें ये जो 7th वाला पार्टीशन है उसको स्वैप की तरह फॉर्मेट करना है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, पहले हमने तो पार्टीशन बनाए, बाद में हम सेकंड स्टेप में दोनों को फॉर्मेट करेंगे, थर्ड स्टेप में एक के लिए माउंट फाइल बनाना है, और फोर्थ स्टेप में उनको मैनुअल माउंट करके एफएस स्टेप एंट्री करनी है। ओके, सो ये ओवरऑल इन शॉर्ट आपका ये समरी वीडियो कह सकते हो। तो हमने mkswap करके 7 को भी फॉर्मेट कर दिया, फिर से हम blkit करके चेकआउट करेंगे। नाउ यू कैन सी 7th और 6th पार्टीशन फॉर्मेटेड हो चुके हैं। अब ये जो UUID है ना, इन UUID का इस्तेमाल करके भी आप अपने FS टैप को एडिट कर सकते हो। ओके,
लेकिन उससे पहले हमने जो सिक्स वाला पार्टीशन बनाया उसको हमें माउंट वन बनाना है। सो हम यहाँ पे mkdir-pv/block2 करके एक पार्टीशन बनाएंगे, माफ कीजिए एक फोल्डर बनाएंगे जिसे हम माउंट वन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। हो गया। अब मैन्युअली माउंट करने के लिए mount-t है, XFS उसकी फाइल सिस्टम है, /dev sdb6 को कहाँ पे माउंट कर, /block2 के अंदर माउंट कर, बराबर। चाहे तो आप इसे ग्राफिकली एप्लीकेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिस्टम टूल्स के अंदर सिस्टम मॉनिटर पे जाएंगे, ये रहा हमारा फाइल सिस्टम टैब। अब देखिए यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं एंटर दूंगा। नाउ विद इन द पीरियड यू विल सी ये सिक्स वाला ब्लॉक टू के अंदर माउंट हो चुका है। अगर आपको कमांड लाइन के साथ कंफर्म करना रहा, df-h T करके उसे कंफर्म कर सकते हो। सो यू कैन सी HDB6 माउंट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, स्वैप को यूज़ करना है। तो हम रिसोर्सेज पे जाएंगे, नाउ यू कैन सी 5.8 GB के आसपास स्वैप फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले स्वैप ऑन, स्वैप ऑन -s करके हम चेकआउट करेंगे कि हमारे कौन से स्वैप काम कर रहे हैं। ये रहा 2 और ये रहा 5। ओके, अब मुझे करना है स्वैप ऑन /dev sdb7। ओके, सो चलो ग्राफिकल भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने प्रेस एंटर किया, देखो 8.8 आ गया। स्वैप ऑन -s से आप चेकआउट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये रही मेरे स्वैप की इन्फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, FSTAB एंट्री। अब FSTAB एंट्री करते वक्त मैंने पार्टीशन के नाम लिखे थे, मतलब SDB5, SDB1, SDB7, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा हम UUID का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, सो BLKit करके आप उनके UUID फाइंड आउट कर लीजिए। अब UUID क्यों, क्योंकि UUID जो होता है ना वो यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनिक होने की वजह से कभी भी रिपीट नहीं होता। ओके, तो बेटर यही रहेगा कि आप ज़्यादातर इनका ही इस्तेमाल करो अपने FSTAB को एडिट करते वक्त। अब रही बात इनको आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे या कैसे लिखोगे, हालांकि ये नंबर आपको टाइप करने में दिक्कत होगी, अगर एक भी लेटर गलत हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले BLKit टाइप कीजिए, यहाँ पे हम पाइप टू ग्रेप करेंगे। ग्रेपिंग का मतलब क्या, स्पेसिफिक लाइन बता, मुझे लिखना है यहाँ पे जिस लाइन पे SDB6 लिखा है उस लाइन को मुझे दिखा। यू कैन सी ये इतनी सारी लाइन में से उसने सिर्फ SDB6 वाली लाइन मुझे बता दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अप एरो प्रेस करना है और दो बार ग्रेटर देन साइन देनी है। अब ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या है, हम उसे अपेंड करने वाले हैं। गलती से भी सिंगल साइन मत देना, क्योंकि अगर आपने सिंगल साइन दी इसका मतलब क्या, पुरानी फाइल हट जाएगी, नई फाइल आ जाएगी। आपको कंटिन्यू करना रहा तो आपको डबल ग्रेटर देन ही देना है। ओके, इसके बारे में भी आप काफ़ी सीरियस रहे, क्योंकि अगर आपने गलती से सिंगल कोड दे दिया ना, कहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है, आपके FSTAB के फाइल को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। तो हमने डबल ग्रेटर देन दिया, /etc/FSTAB के अंदर हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, इतना हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, vim/etc/FSTAB के अंदर जाना है। ओके, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहां पे आने के बाद प्रेस आए। अब देखिए ऊपर आपको ये जो सभी एंट्री नजर आ रही है ना, ये UUID के फॉर्म में नजर आ रही, तो आपको कुछ इसी तरह से माउंट करना है या अलाइन करना है। तो यहां पे मैंने आई प्रेस किया, /dev sdb6 की मुझे जरूरत नहीं है तो इसे हम हटा देंगे। UID की जरूरत है, हाँ इसे रख देंगे। डबल कोट नहीं चाहिए तो इसे भी हटा देना है, और आखिरी वाला डबल कोट भी चाहिए, इसे भी हमने हटा दिया। तो फर्स्ट पोर्शन में हम क्या लिखते, हमारा UUID या फिर हमारा पार्टीशन का नंबर। तो हमने यहाँ पे UUID यूज़ किया है। ओके, इसका SDB6 का। सेकंड कॉलम में हम क्या लगते हैं, उसका माउंट पॉइंट। तो उसका माउंट पॉइंट हमें रखना है स्लैश
ब्लॉक 02। थर्ड पॉइंट में हम क्या रखते हैं, उसकी फाइल सिस्टम। तो XFS उसकी फाइल सिस्टम थी। फोर्थ कॉलम में उसका डिफॉल्ट पैरामीटर ताकि सभी यूज कर पाए, स्पेलिंग आपको ऊपर की तरफ दी गई है। फिफ्थ में 0, सिक्स में भी 0 हो गया। एस्केप शिफ्ट कोलन WQ कैट करके उसे हम चेकआउट कर लेंगे, आ गया UID की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, माउंट -a एंटर, DF-H कैपिटल T। यू कैन सी SDB6 यहाँ पे माउंटेड नज़र आ रहा है। अनमाउंट करने के लिए आपको क्या करना है, UMount-A, फिर से DF-H कैपिटल T करके चेकआउट कर लीजिए, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप फिर से Mount-A करोगे तो जो भी एंट्री FS टैब के अंदर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ ही जाएगी। फिर से DF-H कैपिटल T से आप चेकआउट कर लेना, मतलब रिबूट होने के बाद भी ये यहाँ पे नज़र आने वाला है। अब बचा स्वैप के बारे में एंट्री, तो चलो हमें स्वैप को भी माउंट करना है FS टैब के अंदर। तो फिर से हम क्या करेंगे, BLKID ये कमांड रन करेंगे, एंटर देने के बाद अब मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे, स्वैप वाली लाइन के ऊपर। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे पाइप टू ग्रेप, क्या कर, जिस लाइन पे SDB7 है उसे मुझे दिखा दिया। देन अप एरो डबल ग्रेटर देन साइन, अगेन डबल ग्रेटर देन साइन ही चाहिए, /etc/fstab एंटर देना है। देन vm/etc/fstab के अंदर आपको एडिट करना पड़ेगा। फिर से यू कैन सी ये रही स्वैप की इन्फॉर्मेशन पहली वाली, तो आपको उस तरह से अलाइन करना है। प्रेस I फॉर इंसर्ट, SDB7 नहीं चाहिए, हम UID को रखेंगे। डबल कोट हटाना है, ये आखिरी वाला डबल कोट भी हटा देना है। स्वैप पार्टीशन को हम स्वैप की तरह माउंट करते और स्वैप की तरह ही फॉर्मेट करते, तो स्वैप स्वैप सेकंड और थर्ड लाइन पे, डिफॉल्ट ये पैरामीटर आपके फोर्थ लाइन पे, और 0 0 ये आपके लास्ट लाइन पे। एस्केप WQ से हमने इसे सेव किया। स्वैप ऑन -a से चेकआउट कर लीजिए कौन से स्वैप है। बाद में स्वैप ऑन -a से हम सभी स्वैप को ऑन करेंगे। स्वैप ऑन -a से हमने चेक किया, देखो स्वैप 7 में आ चुका है। बंद करने के लिए स्वैप ऑफ -a चला गया, चेक करेंगे स्वैप ऑन -a से, फिर से स्वैप ऑन -a, सभी के सभी स्वैप आ गए, चेकआउट करेंगे, यस इज वर्किंग, क्लियर। तो आज हमने स्वैप और FS टैब के प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया। लेकिन FS टैब को एंट्री करते वक्त हमने यहाँ पे UUID का इस्तेमाल किया है, और किस तरह से ट्रिक यूज़ करनी है मैंने आपको बता दिया है। लास्ट थिंग, इस ट्रिक को इस्तेमाल करते वक्त डबल ग्रेटर देन साइन ही देना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, FS टैब के फाइल को एडिट करते वक्त गलती से भी कोई गलती ना करना। क्यों? क्योंकि ये फाइल काफी डेंजरस फाइल है, इसमें होने वाली गलती आपके मशीन को प्रॉब्लम दे सकती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने, आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।